हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू प्रवीण कथुरिया किचन। आज मैं आपके लिए सूजी से बनने वाले मिक्स वेज चीला की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये देखिए ऐसे करके बनाया मैंने, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, इतना सॉफ्ट और इतना ज़्यादा टेस्टी, बहुत टेस्टी बनाया ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बाउल लिया है, उसके अंदर सूजी डाल रही हूँ 1 कप। इसके बाद मैं इसके अंदर दही डाल रही हूँ 1/2 कप। और इसमें पानी डाल देंगे, इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से ताकि इसके अंदर लम्स ना रहे बिल्कुल भी। अच्छी तरह से चला लेंगे इसको। पानी हम और भी डाल सकते हैं, अगर ठीक लगेगा तो पानी और भी डालेंगे इसके अंदर। इसको मिक्स करती जा रही हूँ अच्छी तरह से। अब सॉल्ट डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाला मैंने इसके अंदर। पानी थोड़ा सा और डाला क्योंकि ये ठीक लग रहा था बैटर। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, लम्स बिल्कुल हटा देंगे इसमें से। अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ इसको। ये चीला बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है खाने में। अब इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। तब तक मैंने वेजीज काट लिए हैं, मैंने प्याज लिए हैं, शिमला मिर्च लिया है, टमाटर लिया है, धनिया लिया है और हरी मिर्च लिया है। अगर आप और भी सब्ज़ियाँ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं इसके अंदर, बहुत टेस्टी लगेंगी सब्ज़ियाँ इसके अंदर। इसके बाद 10 मिनट हो चुके हैं, आप सूजी को देख लेते हैं। सूजी फूल चुकी है, अब इसके अंदर पहले सब्ज़ियाँ डाल देंगे, अगर फिर ज़रूरत होगी तो पानी डाल देंगे। प्याज डाला मैंने, शिमला मिर्च डाली है, 1 प्याज लिया था छोटे साइज़ का, शिमला मिर्च 1/2 ली है वो कट कर ली थी, बारीक चॉप कर ली थी, टमाटर 1/2 लिया था, बारीक चॉप कर लिया था। ये टमाटर डाल दी मैंने, इसके बाद धनिया डाल रही हूँ, धनिया चॉप कर लिया था। धनिया ज़्यादा डालेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा, इसलिए मैंने ज़्यादा डाला थोड़ा सा धनिया। इसके बाद हरी मिर्च डाल देंगे इसमें, हरी मिर्च मैंने 1 ही डाली है, अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब सॉल्ट डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून, क्योंकि पहले भी 1/2 चम्मच डाला था हमने, 1/2 टीस्पून पहले भी डाल चुके हैं सॉल्ट। रेड चिली पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून। कोरिएंडर पाउडर डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। अमचूर पाउडर डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब देख लेंगे बैटर हमारा कितना, अगर थिक होगा तो पानी थोड़ा सा और डालेंगे। ये देखिए काफ़ी थिक है अभी, तो चीला जो हमारा ठीक नहीं बनेगा, इसलिए थोड़ा पानी और डालना पड़ेगा इसके अंदर। ये चीला झटपट तैयार हो जाता है, कभी भी आपका मन हो खाने का, ब्रेकफास्ट में, डिनर में, लंच में, कभी भी आप खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। ये चटनी के साथ या सॉस के साथ भी खा सकते हो, तब भी अच्छा लगेगा और हेल्दी तो बहुत ही ज़्यादा है ये। अब इसको मिक्स कर रही हूँ, थोड़ा पानी और डाला मैंने इसके अंदर क्योंकि ये काफ़ी थिक हो चुका था। अब मैंने एक पैन लिया है, उसको गरम कर लिया है। इसमें 2 टेबलस्पून बैटर डाल देंगे और इसको फैला लेंगे अच्छी तरह से। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है इसको, मीडियम रखना है। फैला लिया इसको मैंने अच्छी तरह से। ये नॉनस्टिक पैन है इसलिए चिपक नहीं रहा इसके अंदर। अगर आप घी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, ऑयल या घी जो भी आप खाते हो वो लगा सकते हो। ऊपर से ड्राई हो जाएगा इसका मतलब थोड़ा पक गया है। फिर इसकी साइड चेंज कर देंगे हम, अभी साइड से थोड़ा थोड़ा गीला है ये। अब इसको चेक कर रही हूँ, अब इसकी साइड चेंज कर देंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आया ना, और है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट,
खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा ये। इसको सेक लेंगे दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से। अब इसकी साइड चेंज करके देख लेंगे, एक बार ये रेडी हो चुका है, पक चुका है ये, इस साइड से भी दोनों साइड से पक गया अच्छी तरह से। अब मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना बढ़िया बना है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए मेरी वीडियोस का, मेरी रेसिपीज़ का। और ये चीला ज़रूर बना के देखना और मुझे कमेंट करके बताना ये आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।